आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी प्याज की मसालेदार सब्जी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से बनाकर खाने से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। भिंडी प्याज की मज़ेदार सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे भिंडी को अच्छी तरह से वॉश करके और 1 इंच में इस तरह से कट कर ली है, देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर ली है और इसका जो कलिया है इसको अलग रख लिया है और इसका जो बीज का भाग है ना इसको भी अलग रख लिया है। तो अब इसको रख देंगे साइड पे। मैंने यहाँ पे ले लिया है ग्राइंडर जार और प्याज की जो बीज में रहता है वो डाल देंगे ग्राइंडर जार पे और डाल देंगे लहसुन और उसी के साथ इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 3-4 हरी मिर्च को भी डाल दिया है और अभी जार की ढक्कन को बंद करेंगे और इसे दरदरा सा कूट लेंगे। इसे एकदम ज़्यादा कूटना नहीं है, दरदरा सा ही कूटना है। तो देख सकते हैं मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है। तो अभी इसको रख देंगे साइड पे। अभी गैस के ऊपर एक कढ़ाई को रखेंगे और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच ऑयल और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे प्याज की कलियों को और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो अभी प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है तो इसको इस तरह से प्लेट पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्याज को निकाल लिया है। तो रख देंगे प्याज को साइड पे। अभी वही ऑयल पे डाल देंगे भिंडी को, तो जो भिंडी काट के रखा था ना वो डाल देंगे और भिंडी को डालने के बाद भिंडी को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अभी इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिनट तक मैंने भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई कर ली है। तो भिंडी जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तो इनको एक प्लेट पे निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक प्लेट पे निकाल ली है। तो इस प्लेट को रख देंगे साइड पे। अभी वही कढ़ाई पे डाल देंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जितना जीरा और उसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। तो अभी इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च और लहसुन का जो कूट के रखा था दरदरा सा वो, और इनको डालने के बाद हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अभी इसमें डाल देंगे 1 टमाटर का पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर के पेस्ट को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अभी इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और डाल देंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। तो 1 कप जितना इसमें पानी डाल देंगे और बिना ढक के मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भून चुका है। तो अभी इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना मलाई। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश मलाई ले लिया है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप इसमें अमूल जो क्रीम आता है वो भी ले सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी देख सकते हैं मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे फिर से थोड़ा सा पानी। तो मैंने यहाँ पे फिर से डाल दिया है 1 कप जितना पानी और पानी डालने के बाद थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और अभी इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर, तो मैंने यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। और उसी के साथ इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ भिंडी और डाल देंगे फ्राई किया हुआ प्याज को भी और अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद गैस के फ्लेम को मीडियम पर रख के ढक्कन से ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए। अभी 5 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हटाएंगे और देख सकते हैं पानी जो है वो पूरी तरह से सूख चुका है। तो अभी इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना गरम मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप ऊपर से थोड़ा हरा धनिया भी डाल सकते हैं और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार भिंडी प्याज की सब्जी बनकर तैयार है। आप इस सब्जी को रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय फ्रेंड्स।